मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि चैप्टर अपना 10 स्टार्ट हो चुका है, कार्बनिक रसायन का ये पहला चैप्टर है 12th क्लास में, हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो इसमें हमने जो अभी तक पढ़ा है वो एक बार तुम्हें बता देती हूँ कि हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स को, हैलोजन व्युत्पन्न को विरचन की विधियाँ कल पढ़ी थी। विरचन की जितनी भी विधियाँ थी वो हमने कल पढ़ ली थी। एक विधि रह गई थी, वो विधि मैंने अभी बोर्ड पे लिखी हुई है, सबसे पहले उसी विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने इनके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में भी फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। तो मैं आज का तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ बेटा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डार्जन्स रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। डार्जन की विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की। एल्कोहल से कल हमने एल्किल हैलाइड को बनाया था। मैंने HCl के साथ रिएक्शन तुम्हें बताई थी, HCl के साथ साथ मैंने तुम्हें PCl3 के साथ रिएक्शन बताई थी, PCl5 के साथ रिएक्शन बताई थी और फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ रिएक्शन बताई थी, लेकिन SOCl2 के साथ रिएक्शन नहीं बताई थी। तो वो मैं आज लिख रही हूँ क्योंकि कल बोर्ड के ऊपर जगह नहीं बची थी। ये रिएक्शन लिखने के बाद अपने कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्किल हैलाइड्स के। देखिए, मैं रिएक्शन लिखती हूँ बोर्ड पर, ROH alcohols, यहाँ लिखी हुई ROH, और इनकी रिएक्शन हम कर रहे हैं SOCl2 के साथ। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी एक बार बोर्ड पर देख लो। देखो, SO और O तो साथ साथ चल जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, H और Cl साथ में चला जाएगा, HCl। मैं पहले इन दोनों को लिखती हूँ, HCl और SO2 गैस। उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है बेटा रिएक्शन में, R बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, RCl गैस। तो एल्किल क्लोराइड बनाने का ये एक स्पेशल मेथड है। हाँ, यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर डिजॉल्व किया जाता है इस पूरे को, उसको पाइरीडीन बोलते हैं। पाइरीडीन में डिजॉल्व करके ये रिएक्शन कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, पाइरीडीन हिंदी में पाइरीडीन, पाइरीडीन। ठीक है, अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। दूसरी चीज ये कि इम्पोर्टेंस का इसका कारण क्या है, द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस इज कि इसमें जो दो प्रोडक्ट अपने बन रहे हैं HCl और SO2, दोनों ही गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो हमारे पास सेपरेट करने के लिए एल्काइल क्लोराइड बनने के बाद उसको किसी से हमें अलग नहीं करना पड़ता। जो RCl बनता है वही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, जो साइड वाले प्रोडक्ट हैं वो गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन से यील्ड अच्छी आती है, मतलब कि हमें उत्पाद ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन माना जाता है इसको। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एल्काइल हैलाइड्स के लिए, हैलोजन उत्पन्न भौतिक गुण। देखो, भौतिक गुण में हमें तीन चीजें पढ़नी होती हैं, भौतिक अवस्था, जिसको फिजिकल स्टेट कहते हैं, फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था में जो अपने लोअर नंबर्स जैसे CH3F, CH3Cl, C2H5CL, जिनमें कार्बन का नंबर कम है और हैलोजन भी कम परमाणु भार वाला लगा हुआ है, वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन के जो कंपाउंड है, क्योंकि आयोडीन का जो परमाणु भार है वो ज़्यादा होता है, 121 होता है, 121 होता है, इसलिए आयोडीन के विशेष रूप से ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो जो फिजिकल स्टेट है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स
मिडिल वन मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा कि जो कम परमाणु भार वाले होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या कम हो या फिर हेलोजन कम परमाणु भार वाला लगा हुआ हो तो वो अपने गैसेस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे। जो हायर मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला भी बड़ी लगी हुई है, कार्बन की एक लॉन्ग चेन लगी हुई है और उसके साथ साथ आयोडीन के या ब्रोमीन के कंपाउंड्स हैं तो वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ये अपना फिजिकल स्टेट के बारे में हुआ, भौतिक अवस्था के बारे में। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट अपना आता है सॉल्युबिलिटी। इसको बोलते हैं घुलनशीलता। ठीक है, जो घुलनशीलता है हेलोजन डेरिवेटिव्स की, हेलोजन व्युत्पन्न की घुलनशीलता, देखो यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ये परमाणु लगे हुए होते हैं एल्किल समूह के साथ। घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है कि या तो जो आयनिक कंपाउंड्स अपने आयन में विभाजित हो जाते हैं वो जल में घुलनशील हैं, या फिर जो ध्रुवित कंपाउंड्स हैं पोलर कंपाउंड्स हैं जो जल की उपस्थिति में आयन एक आवेश अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए क्योंकि ये तीनों काम नहीं कर सकते इसलिए ये जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील नहीं। लेकिन कहां पर घुलनशील होते हैं? सॉल्युबल इन एल्कोहल ईथर एक्सेट्रा। एल्कोहल और ईथर क्या है? कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक या कार्बनिक विलायकों में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई बेटा। अब तीसरी चीज आती है इनकी, क्योंकि द्रव होते हैं, ज्यादातर द्रव होते हैं तो इनका पथना या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम पथनांक बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या पथनांक किस पर निर्भर करता है? जितना अणुभार होगा किसी अणु का पथनांक उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अधिक अगर अणुभार है तो पथनांक उतना ही अधिक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इनका पथनांक या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जो जितना बड़ा मेंबर होगा जिसमें जितने कार्बन की संख्या होगी उतना ही उसका पथनांक या बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। दूसरी चीज, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग हो गई है, जो यौगिक हैं अगर उनमें ब्रांचिंग हो गई है तो ब्रांचिंग होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो मैं दो पॉइंट यहाँ पर लिख रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर मास या अणु का कितना भार है। जितना ज्यादा भार है उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, पथनांक अधिक होगा। दूसरा, अगर अणु के अंदर ब्रांचिंग हो गई है तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है ब्रांचिंग। कैसे? ब्रांचिंग का मतलब
जैसे कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनी हुई है, उसके बाद कार्बन की एक और श्रृंखला आ गई उसमें, उसके बाद कार्बन की एक और श्रृंखला आ गई, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो क्वथनांक है वो सबसे कम होगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कम होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड और कम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अगर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, मतलब कोई समावय भी नहीं बना है, कोई आइसोमर नहीं बना हुआ है, तो कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणुभार बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर ब्रांचिंग हुई है, कोई समावयवी आइसोमर बना है, तो आइसोमर में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम उसका वॉल्यूम पॉइंट देखा जाता है, वॉल्यूम पॉइंट उतना ही कम उसका मेजर किया जाता है। जितनी कम होगी ब्रांचिंग उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम पॉइंट उसका आता है। अब एक चीज़ आती है कि यदि एल्काइल समूह तो समान रहे, एल्काइल समूह समान रहे, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनमें आपस में तुलना करें तो किसका वॉल्यूम पॉइंट सबसे अधिक है? देखो, समान एल्काइल समूह वाले हैलाइड के क्वथनांक का क्रम, ठीक है, समान एल्किल समूह वाले हैलाइड के क्वथनांक का क्रम, सेम एल्किल ग्रुप, ठीक है, कैसे देखें, आर एफ यदि फ्लोरीन, आर सी एफ, आर सी एफ यदि ब्रोमीन लगी, क्लोरीन लगी, आर बी आर यदि ब्रोमीन लगी और आर आई यदि आयोडीन लगी। अब यहाँ देखो, आर तो हमारा समान है, कहीं पे भी मैंने इसको आर डैश नहीं किया, कहीं पे मैंने इसको आर टू डैश नहीं किया, सब जगह इसको आर ही रखा है। फ्लोरीन का परमाणु भार सबसे कम है, उसके बाद क्लोरीन का आता है, उसके बाद ब्रोमीन का आता है, उसके बाद आयोडीन का आता है। एक बार मैं तुम्हें संख्या में भी बता देती हूँ, फ्लोरीन का होता है 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 18 होता है और आयोडीन का 121। देखो कितना कितना अंतर है और उतना ही अंतर के पत्नांक में आ जाता है, इसका सबसे कम, इससे ज़्यादा, इससे कम, इससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो एल्किल आयोडाइड हैं उनका पत्नांक सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक हेलोजन में सबसे ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं, कि जो इनके रासायनिक गुण हैं उन रासायनिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और रासायनिक गुण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, आज की वीडियो में सारी अभिक्रियाएं नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मैं आज की वीडियो में भी तुम्हें बताने वाली हूँ। पहले एक बार ये बता देती हूँ कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएँ, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ एल्किल हैलाइड बताते हैं। देखो, सबसे पहला आता है रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण में सबसे पहले आता है अपना धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। बात समझ में आई?
दूसरी अभिक्रिया है एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया, हिंदी में विलोपन बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बात समझ में आई बेटा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर न्यूक्लियो फिलिक प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो बेटा जितने भी इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड की संभव हो सकती हैं, उन सब को कुल मिलाकर चार कैटेगरीज में चार कैटेगरीज में इसको विभाजित किया जाता है। पहली कैटेगरी आती है अपनी धातु से अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में रिएक्शन विद मेटल्स, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से मैं एक अभिक्रिया ले रही हूँ, पहले धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया यहीं पे हमारे पास जगह बची हुई है तो इसी जगह लिख दो। पहला प्रकार और इस प्रकार में भी जो सबसे पहले रिएक्शन ले रही हूँ उसका नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। हिंदी में भी इसको वुड्स से लिखा जाता है, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। ये 11th क्लास में भी तुमने पढ़ी थी वुड्स अभिक्रिया, जब हमने एल्केन को बनाया था तो एल्केन से हायर एल्केन बनाने के लिए, मतलब छोटी एल्केन से बड़ी एल्केन बनाने के लिए, और जिनमें इवन नंबर कार्बन के प्रेजेंट, उन एल्केन को बनाने के लिए हमने इसकी सहायता ली थी, जिनमें सम कार्बन की संख्या सम संख्या होती है, तो उनको बनाने के लिए इसकी सहायता ली थी। अभिक्रिया क्या है हमारी, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे, समान एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे, दो अणु लेने पर उसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। मैं दोनों चीज़ें लिख देती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है उदाहरण ही लिख लेते हैं। उदाहरण में मैंने लिखा CH3Cl प्लस 2N3 प्लस Cl, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति। देखो ध्यान से एक बार बोर्ड पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये मिथाइल क्लोराइड का एक अणु, मिथाइल क्लोराइड का ही दूसरा अणु और साथ में दो सोडियम परमाणु। कारण क्या है दो सोडियम परमाणु लेने का, इस सोडियम क्लोराइड निकल गया। Thank you.
एक बार देख लेते हैं। मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हमने लिए, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। रिएक्शन कराने से हमें क्या मिल रहा है, CH3 दोनों जुड़ गए हैं, ईथेन बन गई है, और सोडियम के साथ दो क्लोरीन एटम जुड़कर सोडियम क्लोराइड निकल गए हैं यहाँ से। इसलिए हम बोलते हैं कि समान संख्या वाली, सम संख्या वाली हायर एल्केन बनाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, वोट्स अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो अभी बोर्ड पर मेरे पास जगह नहीं बची है लिखने के लिए, वोट्स रिएक्शन में उधर लिख दी है, तो मेरे पास बोर्ड पर भी जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं जो दूसरी रिएक्शन है उस दूसरी रिएक्शन को धातु से ही अभिक्रिया है और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने की अभिक्रिया है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम लिखना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस अभिक्रिया को, ये इसी अभिक्रिया का भाग मैग्नीशियम से अभिक्रिया, ये अभिक्रिया किसके साथ थी, सोडियम धातु के साथ, ये अभिक्रिया किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ। क्या अभिक्रिया होगी, RH+Mg, और ये अभिक्रिया भी ईथर की उपस्थिति में ही होती है। देखो RX कोई भी अल्काइल है, उसके साथ हमने लिया मैग्नीशियम परमाणु और ईथर लिया हुआ है, RX पूरा का पूरा मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है, कर दिया है टॉपिक अपना, अब कल शुरू करना।